राइट right? तो चलिए अब समझते हैं मटेरियलिटी जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 3.16 पर मटेरियलिटी मतलब कि जिस वजह से ऐसा कोई ट्रांजैक्शन से कोई अमाउंट ऐसा कोई इवेंट्स डिस्क्लोजर्स कि जिस वजह से इकोनॉम जो यूजर से उनका इकोनॉमिक डिसीजन है वो चेंज हो सकता है उसे मटेरियल आइटम कह सकते हैं मटेरियल ट्रांजैक्शन बैलंसम कह सकते हैं तो किसे मटेरियल कहेंगे क्या होनी चाहिए किस अमाउंट से ऊपर के ट्रांजेक्शन या फिर किस अमाउंट से ऊपर के मिस स्टेटमेंट मटीरियल मिस स्टेटमेंट होंगे वो सारी चीजें ऑडिटर को डिसाइड करनी रहती है ताकि पता चले कि किसे मटीरियल मिस स्टेटमेंट कहे और कब हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना है या नहीं राइट right? <coughs> इस सारी चीजों के लिए मटेरियलिटी डिसाइड करना जरूरी है, है and and तो उसी के हिसाब मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है राइट right? तो चलिए इन डिटेल समझते हैं वट इज मेंट बाय मटेरियलिटी एस एवं मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट स्टेट दट मिसेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिसंसिडर्ड टू बी मटीरियल इफ दे

Right? ऐसे थ्री ट्वेंटी है ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेन्डेंट ऑडिटर इज टू ऑप्टेन रिजनबल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एर देयर बायलिंग दू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर दाइनेंसियल स्टेटमेंट आर प्रिपेर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकोर्डेंस विद एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू हंड्रेड के हिसाब से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है राइट right? कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट यहाँ पर भी मटेरियल वर्ड आता है राइट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं यहाँ पर भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर हुआ है वो इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट

राइट right? <coughs> तो वो जो मटीरियल मिस्टेटमेंट का रिस्क है उसी को कम करना है और उसी के बेसिस पर हम अपना ओपिनियन देंगे एज पर पर द तो यहां पर सभी जगह पर मटीरियल मिस्टेटमेंट की ही बात की जाती है तो मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट है वो सिग्निफिकेंट हमारे लिए रहेगा मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज ये हर बार रिलेटिव साइज अमाउंट में क्वांटम में ही वो ऐसा जरूरी नहीं है वो नेचर वाइज भी हो सकता है

फ्रोड्यूलन प्रैक्टिस कर रहा है तो ये हमें बता रहा है कि भले ही उसने अभी फ्रोड्यूल प्रैक्टिस उसकी अमाउंट उसका क्वान्ट फ्यूचर ज्यादा हो सकता है तो वो नेचर है इंटरनल right? कंट्रोल नहीं है वो भी हमारे लिए मटीरियल स्टेटमेंट बन सकता है राइट right? तो मटीरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अटर ऑफ साइज रिलेटिव साइज ये जो सेंटेंस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको एम सी क्यू में या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है इस पेराग्राफ को हमें याद रखना होगा बाकी का ये जो था ये हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी है हमने समझा हुआ है सिर्फ ये ऐसे का नाम याद रखिएगा राइट एसर थ्री ट्वेंटी मटेरियालिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट चलिए उसको कंसिडर करना सब कुछ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियालिटी अप्लाइड बाई द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड इन इवेल्यूटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड स्टेटमेंट्स ऑन द ऑडिटेड एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंडिंग द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट जब हम प्लान कर रहे हैं ऑडिट ताकि पहले से ही पता हो कि हमारे हम लिए क्या मिस होंगे वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट होंगे और जब हम ऑडिट करेंगे तब भी हमें मटीरियालिटी को कंसिडर करना होगा प्लानिंग के स्टेज पर जो मटेरियलिटी डिसाइड की जाएगी वो हो सकता है कि एग्जैक्ट ना हो तो हम एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन भी एक बार फिर से का कैलकुलेशन करते हैं हैं और देखते है कि वो बराबर है या नहीं मटीरियलिटी है वो कोई एक अमाउंट का हम स्टैंडर्ड रखेंगे राइट कि इस अमाउंट से ऊपर के ट्रांजेक्शन मटीरियल में स्टेटमेंट कहे जाएंगे तो वो जनरली प्रॉफिट है रेवेन्यू है असट्स है उसके बेसिस पर कंसिडर किया जाता है उसके ऊपर ये जो बेंच मार्क रहेंगे मतलब प्रॉफिट

फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्स ओफ एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मटरियालिटी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियालिटी क्या है वो जनरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में भी उसके बारे में डिस्कस किया हुआ होता है कि ये मटीरियालिटी कहा जाएगा राइट right?

राइट right? अमाउंट अगर बहुत ज्यादा है तो मटेरियल हो जाएगा या फिर नेचर ऐसा है जैसे कि आगे हमने एग्जांपल दिया कि इंटरनल कंट्रोल में फ्लो है लुक होल है तो वो भी मटेरियल कंसीडर किया जा सकता है भले ही अभी तक उसमें जो अमाउंट उस वजह से हुई है वो थोड़ी सी ही है बट वो नेचर है वो भी मटीरियल बन सकता है तो नेचर नेचर और साइज दोनों ही मटीरियल हो सकते हैं और तो और सराउंडिंग सरकमस्टांसिस के बेसिस पर भी हमें यह कंसिडर करना होगा एंड

जो उनके लिए रिक्वायरमेंट कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो उनको जरूरी हो कि उसके बारे में सोचेंगे कोई एक स्पेशल इंडिविजुअल ग्रुप के लिए या फिर जो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही फ्लक्चुएट होती रहती है उनके बारे में हम नहीं सोच सकते कि उनके लिए क्या मटीरियल है जो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स रहती है यूजर्स की उसके बेसिस पर ही हम देखेंगे कि क्या मटीरियल हो सकता है अगर जो कॉमन ग्रुप्स <coughs> है उसके लिए जो इम्पेक्ट करता है वो मटीरियल कहा जा सकता राइट right? तो ये तीन गाइडेंस uh, इसके बेसिस पर मटेरियलिटी डिसाइड होगी एंड थर्ड कॉमन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स रहती है यूजर्स की उसके बेसिस पर उसे मटेरियल कहा जाएगा राइट right? ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं तो इस तरीके से आपको रीड करना है और याद भी रखना होगा डिस्कशन इफ प्रेजेंट इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू दर इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द ऑडिट अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ही दिया गया है कि मटीरियालिटी इसे कहा जाएगा तो हम उस तरीके से मटेरियालिटी कंसिडर करेंगे

Considered material. These judgments provide a basis for.

तो प्लानिंग में मटेरियल डिसाइड करेंगे उसके बेसिस पर हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड हम डिसाइड कर सकते हैं

कहा देखना चाहिए कितने एक्सटेंट तक देखना चाहिए तो उसमें मटेरियालिटी है वो मैटर कर दी right? तो जो प्लानिंग के स्टेज पर हम मटेरियालिटी डिसाइड करेंगे वो जो जजमेंट है वो हमें क्या बेस

के के नीचे के जो ट्रांजेक्शन है अगर वो अनकरेक्टेड रहे तो उसे हम हर बार नहीं मान सकते हैं इसीलिए कई बार मटीरियलिटी लेवल से कम लेवल भी कई बार परफॉर्मेंस मटेरियलिटी या ऐसे दूसरी भी टाइप के मटेरियलिटी रहती है वो हम डिसाइड कर सकते हैं जो हम आगे समझने वाले हैं तो सरकं टू समेटमेंट मई कॉसिडीरियल इफ दे आर बिलो मियलिटी

ऑडिटर हैज टू अप्लाई हिज प्रोफेशनल जजमेंट एंड डिटरमाइनिंग मटीरियालिटी चूजिंग अप्रोप्रिएट बेंच मार्क एंड डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ बेंच मार्क ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत पड़ेगी टू डिटरमाइन

बाकी ये जो हमने दो पैराग्राफ समझे वो आप फिर से रीड नहीं करेंगे तो चलेगा क्योंकि अगर यहां पर अच्छे से समझ लिए तो फिर से रीड नहीं करेंगे तो चलेगा इसमें से क्वेश्चन आना है थोड़ा सा कम चांसेस राइट इफ देर इज एन ए रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोज़र इट इज टू बी कंसीडर्ड मटीरियल रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ अमाउंट

हमारे तरीके से मटेरियलिटी डिसाइड नहीं कर सकते एग्जाम्पल सर गिवन बिलो एस पर डिवीजन थ्री ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और रूपीज वन लाख विच एवर इज हायर नीड्स टू बी डिस्कलोज सेपरेटली डिवीज़न वन ऑफ़ ऑफ़ थ्री, थ्री द कंपनीज़ 2013 इज एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द कंपनीज़, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज़ दू थान के हिसाब से ही बनने चाहिए उसमें जो डिविजन वन है वो

कमने से है है उसका वन के हिसाब अगर वो देन 5 है, तो उनको करना ज़रूरी है 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 उसमें होल्डर है, उसके, कितने सेल करते है, कितनी है, वो सारी चीजें करनी ज़रूरी है ये इन हम में भी समझने वाले हैं तो वो जो है वो स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो वो डिस्कलोज करना जरूरी है भले ही उसकी अमाउंट कोई भी आती हो वो मटेरियल हो या ना हो राइट ये आपको एमसीक्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है तो आपको इस तरह से रीड करना होगा राइट डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियालिटी ऑफ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट मटेरियालिटी डिसाइड करना वो प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पर है जो हमने आगे देखा था राइट right? ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कितनी मटेरियलिटी रखनी है और वो यूजर्स का परसेप्शन क्या होगा वो किस तरह से देख रहे होंगे उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा इन दिस कॉन्टेक्स इट इज रिजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एज्यूम दैट यूजर्स इसीलिए ऑडिटर है वो कुछ एजम्सन्स लेता है कि यूजर्स को कुछ कुछ चीजें पता होगी कि क्या वो सोचने वाले हैं उसके बेसिस पर मटेरियलिटी डिसाइड की जाती है तो क्या एजम्सन्स लिए जाते हैं ये चार एजम्सन्स हमें दिए हैं यहां से हमें इस तरह से रीड करना है यूजर्स को हर सेंटेंस में आगे लगाना होगा तो यूजर्स हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग एंड अ विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रीजनेबल डिलीजेंस हमेशा अज्यूम करेंगे कि जो यूजर्स है उनको बिजनेस uh, के बारे में नॉलेज है, है, right? है रीजनेबल और क्या एक्सपेंसेस उनके जनरली होते हैं और अकाउंटिंग के बारे में भी उनको पता है और उनकी विलिंगनेस इच्छा भी है टू स्टडी द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो प्रॉपरली डिलीजेंस के साथ केयरफुली वो रीजनेबली वो uh, वो स्टडी भी करने वाले हैं हैं वो हम सबसे पहले करेंगे कि जो यूजर से उनको बिजनेस बिजनेस के बारे में का नॉलेज है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करते अकाउंटिंग क्या करते हैं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से स्टडी भी करने वाले हैं राइट ऐसा हम करते हैं रीजनेबली उन सबको नॉलेज है सेकंड यूजर्स आर प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी यूजर्स को पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं प्रेजेंट होते हैं या फिर ऑडिट होते हैं वो मटीरियलिटी लेवल पर ही होते हैं वो हंड्रेड परसेंटेज कभी भी नहीं होते हैं उसमें सब कुछ अच्छे से चेक किया हो ऐसा नहीं होता है मतलब सब कुछ अच्छे से ही चेक किया होता है बट वो छोटी छोटी चीजें जो होती है राइट कि जो इम है तो इम मटीरियल चीजों के बारे में शायद अकाउंटिंग में या फिर ऑडिटिंग में ध्यान ना गया हो ऐसी चीज हो सकती है हंड्रेड परसेंटेज परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम गारंटी नहीं देते हम रीजनेबल एश्योरेंस ही देते हैं राइट right? तो कुछ चीज छूट गई हो ऐसी ऐसे चांसेस रहेंगे देन यूजर्स रिकॉग्नाइज दैट अनसर्टेनिटीज सॉरी रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एस्टिमेट्स जजमेंट एंड द कंसीडरेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां पर जजमेंट एस्टिमेट्स और हमारे फ्यूचर इवेंट्स क्या हो सकते हैं उसके बेसिस पर हमने वो

वो कोई गारंटी नहीं दे सकता है तो ये चीज भी यूजर को पता होनी चाहिए कि इसमें जजमेंट्स और फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर रहेगी एंड मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूजर्स है वो उसके बेसिस पर राइट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर कुछ रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस लेने वाले हैं अगर वो शेयर होल्डर्स है तो इन्वेस्ट करना है या नहीं राइट right? वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको होल्ड करना है यानी बैंक है तो वो लोन देना है यानी गवर्नमेंट है तो टैक्स किस तरह से लेना है वो सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं तो यूजर से वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाले हैं राइट right? तो यहाँ पर चार एजम्स लिए गए हैं मटीरियलिटी जब भी डिसाइड करेंगे तो ऑडिटर है वो कुछ एजमशन लेगा यूजर को सबसे पहले तो

थर्ड एज्सन ऐसा लिया जाता है कि जो यूजर्स उनको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं है। कुछ रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाले हैं राइट ये चार एजम्स किए जाते हैं ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में एक बार पूछा भी हुआ है फिर से पूछ सकता है फिर है परफॉर्मेंस मटीरियालिटी हमने मटीरियालिटी लेवल एक डिसाइड किया हुआ है वो लेवल पर अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर के जो मिस स्टेटमेंट होंगे वो सारे ही मटीरियल पर कई बार ऐसा होता है कि जो मटीरियलिटी लेवल से नीचे के जो मिस स्टेटमेंट होते हैं वो भी इंडिविजुअली या फिर इंडिविजुअली शायद इतने मटीरियल नहीं हो रहे बट एग्रीगेट हो रहे हैं ना तो वो मटीरियलिटी लेवल से बढ़ जा रहे हैं तो वो जो लेवल है तो मटीरियलिटी हमने कोई एक डिसाइड किया फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया है कि दस लाख लाख के, का कोई भी तो वो के 10 से ज्यादा हो सकते हैं तो केस में क्या करना है कि जो मटेरियलिटी लेवल से हम कोई एक नीचे लेवल पर एक कम लेवल पर मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे जिसे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहा जाएगा जो 10 लाख से कम अमाउंट पर होगा तो वहां पर हम वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि इसके कम लेवल पर है तो वो एग्रीगेट होके क्या वो मटेरियलिटी लेवल से बढ़ रहा है या नहीं राइट तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो सकता है कि 10 लाख ,00 से कम हमें रखना है तो 7 लाख ,00 रख सकता है कि जो ये मटेरियलिटी है उसका 70% तो 7 लाख ,00 के अगर मिस है तो वो भी देखेंगे कि क्या उसका एग्रीगेट होके वो 10 लाख ,00 से बढ़ रहा है या नहीं राइट तो वो हमारे लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो जाएगी तो परफॉर्मेंस मटीरियालिटी भी हम डिसाइड कर सकते हैं प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑडिटर्स टू डिजाइन टेस्ट

Or amounts set by the auditor at less than the materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality for the financial statements as a whole. अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो एग्रीगेट होके मटेरियलिटी लेवल से अगर बढ़ रहे हैं तो वो ना हो इसी वजह से उस प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए हम परफॉर्मेंस मटिर डिसाइड करते हैं बट ये ध्यान में रखना कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है वो ओवरऑल मटीरियलिटी से कम ही होगी राइट वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना राइट right? वो नहीं हो सकता इसीलिए लाख अगर हमने डिसाइड किया मटेरियलिटी तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है वो दस लाख से कम ही होगी तभी वो स्ट्रिक्टन होगा मतलब कि सात लाख वाला भी जो स्टेटमेंट है वो शायद मटेरियल बन सकता है क्लियर इफ एप्लीकेबल कई बार अब ऐसा भी होता है कि जो मटेरियलिटी है ये जो दस लाख सोचा है वो पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट लेवल के के लिए होती है बट कुछ क्लासेस ऑफ अकाउंट बैलेंस या फिर ऐसे होते हैं कि उसमें जो है वो ओवरऑल मटीरियालिटी से कम रखनी पड़ती है क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन या फिर बैलेंसेस है या फिर डिस्कलोजर से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट uh, है उसमें कुछ गलती होने के ज्यादा चांसेस है वो रिस्क है यूजर्स का उस वजह से उसमें सबसे ज्यादा फोकस रहता है तो उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मटेरियलिटी लेवल ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए डिसाइड किया है उसमें से वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर अकाउंट मिलेंस से डिस्क्लोजर के लिए मटेरियलिटी लेवल कम भी कर सकते हैं जैसे कि अगर परचेस में डाउटफुल लग रहा है ज्यादा रिस्की लग रहा है तो परचेस में 10 लाख की जगह ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी लेवल 10 लाख है तो परचेस का हम दस लाख की जगह पर सिक्स लैक्स भी रख सकते है कि अगर हम में 6 का भी misstatement, मतलब misstatement है तो ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस या फिर डिस्क्लोजर के लिए अलग मटीरियलिटी लेवल भी हो सकता है वो आगे समझाया भी है तो अगर हमने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए डिसाइड किया है तो हम वैसे ही स्पेसिफिकली अकाउंट बैलेंस या फिर ट्रांजेक्शन या फिर के लिए भी मटीरियलिटी डिसाइड कर सकता है मतलब कि यहां पर जो हमने मटीरियलिटी है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर दस लाख रुपए है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिसाइड की सेवन लाख और हम ऐसा सोच रहे कि जो परचेस के ट्रांजेक्शन है राइट right? उसके लिए मटीरियलिटी है सिक्स लाख तो परचेस में भी अलग से परफॉर्मेंस मटीरियालिटी हो सकती है जो सिक्स का कुछ अलग होगा तो यहाँ पर भी सेवेंटी परसेंटेज हम कंसिडर कर सकते हैं तो सिक्स लैक्स के अगर हम सेवेंटी परसेंटेज करेंगे तो फोर पॉइंट टू लैक्स हो जाएगा तो परचेस के लिए परफॉर्मेंस मटीरियालिटी हो जाएगी फोर पॉइंट टू लैक्स राइट right? तो इस तरह से अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन या फिर हमने डिस्क्लोजर के लिए अलग मटेरियलिटी रखी है तो वहां पर अलग से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी हो सकती है मतलब कि यहां पर जो परचेज में अगर 4.2 लाख के मिस स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं उसे एग्रीगेट करेंगे तो वो 6 लाख से बढ़ रहे तो उसे भी हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट कह सकते हैं सो बल पर सेट बाई दर्टिकुलर क्लासेस ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्कलोजर तो वो जोसिफिकली क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस या फिर डिस्कलोजर के लिए अलग से मटेरियलिटी रखिए तो वहां पर भी परफॉर्मेंस मटेरियालिटी अलग से हो सकती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज सेट

When establishing the overall audit strategy the auditor shall determine materiality of for the financial statement as a whole. If in the specific circumstances of the entity there is one or more particular classes of transactions, account balances or disclosure for which misstatement of lesser amount than the materiality for the financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements the auditor shall also determine the materiality level or levels to be applied to those Right? सेबल हो, हो सकता है वो भी मटीरियल कहा जा सकता है तो मटीरियलिटी लेवल अलग हम रख सकते हैं जैसे कि हमने परचेस के लिए जैसे एग्जाम्पल दिया कि सिक्स लैक्स रुपीज वुड बी द मटीरियलिटी लेवल राइट तो पर भी अलग से परफॉर्मेंस मटीरियालिटी भी हो सकती है यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटीरियालिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा हम बेंचमार्क किस तरह से डिसाइड करेंगे राइट? Right? कि प्रॉफिट रखना है रेवेन्यू है क्या डिटरमाइनिंग मटीरियालिटी इन्वॉल्व ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ंग किसके बेसिस पर हम बेंचमार्क डिसाइड करेंगे उसके लिए कुछ फैक्टर्स दिए चार फैक्टर्स तो वो चार फैक्टर्स के बेसिस पर हम बेंचमार्क है वो डिसाइड कर सकते हैं फर्स्ट द एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक स्टेटमेंट्सिटीज इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम कोई भी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रख सकते हैं यूज कर सकते हैं जैसे कि लाइबिलिटीज इक्विटी है रेवेन्यू है एक्सपेंसेस है, है वो डिपेंड करता है कुछ और फैक्टर्स जो हम देखेंगे उसके बेसिस पर डिसाइड कर पाएंगे कि इस चार पांच जो है उसमें से क्या रखना चाहिए वेदर देर आर आइटम्स ऑन विच अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड टू बी फोकस्ड यूजर्स का फोकस कहां पर होगा कौन सा एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर होगा वो हमें कंसिडर करना है और उसके बेसिस पर उसे हम बेंच मार्क कंसिडर करेंगे और उसमें परसेंटेज अप्लाई करके मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे फॉर एग्जाम्पल फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्यूटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूजर्स में टेन टू फोकस ऑन प्रॉफिट रेवेन्यू और नेट असेट्स जनरली uh, जो यूजर्स है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखता है इसीलिए प्रॉफिट है रेवेन्यू है या फिर असर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कई बार इन तीनों का एवरेज लेकर भी मटेरियलिटी डिसाइड कर सकते हैं राइट right? कई बार प्रॉफिटेबल अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर भी फोकस किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर

अभी भी स्टार्ट ही किया है ग्रोथ के फेज पर है तो प्रॉफिट नहीं होगा तो रेवेन्यू पर फोकस कर सकते हैं अगर वो मेच्योरिटी लेवल पर है कि एक लेवल एस्टेब्लिश कर दिया है तो वहां पर हम प्रॉफिट को कंसिडर कर सकते हैं एज अ बेंच मार्क इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच ऑपरेट्स उस इंडस्ट्री या फिर इकोनॉमिक एनवायरमेंट किस तरह से है कुछ ऐसी सिचुएशन है इंडस्ट्री रेगुलेशन से सभी को किसी को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वहां पर हम रेवेन्यू पर फोकस कर सकते हैं अगर यहाँ पर प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है तो असेट्स या और कोई हमारा बेंचमार्क बन सकता है उनको किस तरह से फाइनेंस मिला हुआ है ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है

प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट है वो काफी वॉलेटाइल है तो नेट प्रॉफिट की जगह पर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू को कंसिडर कर सकते हैं रेवेन्यू अगर काफी फ्लक्चुएटिंग है तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट या असेट्स को कंसिडर कर सकता है राइट तो ये चार फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सबसे पहले एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक असेट्स रेवेन्यू है प्रॉफिट uh, है एक्सपेंसिस एक्सेट्रा सेकेंड नीड्स और रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स या फिर उसका अटेंशन कहां पर है उसे करेंगे थर्ड लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पर है या फिर इंडस्ट्री या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ओनरशिप या फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर ओनरशिप स्ट्रक्चर या फिर फाइनेंस कैसे मिला है वो कंसिडर कर सकते हैं एंड लास्ट लास्टिली वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क इसके बेसिस पर बेंचमार्क डिसाइड किया जा सकता है ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में दो तीन बार ओल्ड कोर्स में पूछा हुआ है फिर से पूछ सकते हैं Examples of benchmarks that may be appropriate depending on the circumstances of the entity include categories of reported income such as profit before tax, total revenue, gross profit, and total expenses, total equity, or net assets value. Profit before tax from continuing operations is often used for profit oriented entities. When profit before tax from continuing operations is volatile, other benchmarks may be more appropriate such as gross profit or. टोटल सिंपल चलिए <coughs> मार्क है वो हम से लेंगे कौन सा जो फिगर होगा वो हमारे लिए बेंच मार्क के लिए यूज किया जाएगा क्योंकि ये जो मटेरियलिटी है वो जनरली प्लानिंग स्टेज पर डिसाइड किया जाता है और प्लानिंग है वो कई बार ईयर एंड जिस ईयर का हमें ऑडिट करना है वो ईयर एंड होने के पहले ही हम प्लानिंग कर देते हैं इवन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट भी हो जाता है जैसे कि अगर 23, 24 का ऑडिट करना है तो अगर नवंबर 23 में अगर लोग फ्री है आर्टिकल्स फ्री है तो कई बार ऑडिट स्टार्ट हो जाता है तो नवंबर में तो पूरा 23, 24 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो किस तरह से मटेरियलिटी डिसाइड करेगा तो वहां पर हम प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर कर सकते हैं या फिर टिल द डेट वो स्टार्टिंग जहां से होता है मतलब फर्स्ट अप्रैल से नवंबर तक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है उसको कंसीडर कर सकते हैं या फिर या फिर जो बजट या फिर फोरकास्ट बनाया हुआ है पूरे साल का वो कंसीडर हम कर सकते हैं और उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट्स करने हैं तो हम कर सकते हैं और जब ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे तब उसमें हम एग्जेक्ट जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कंसिडर करके फिर से मटेरियलिटी देख लेते हैं और देखते हैं कि जो प्लानिंग स्टेज पर था उसमें कितना वेरिएशन है

एंड बजट्स और फोरकास्ट फॉर द करंट पीरियड या फिर करंट पीरियड के लिए बजट या फोरकास्ट उसको कंसिडर हम कर सकते हैं एक्जिस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सर्कमस्टांस ऑफ द एंटिटी फॉर एक्जाम्पल अ सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्विजीशन एंड रिलेवेंट चेंजेस ऑफ कंडीशन इन द इंडस्ट्री और इकनोमिक एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स या फिर अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं राइट बिजनेस एक्विजीशन कोई हुआ है या फिर कोई और चेंजेस है जो इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं तो वो सारे ही चेंजेस को कंसिडर करना होगा तो ये फाइनेंशियल डेटा uh, है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर रिजल्ट वगैरह थर्ड है बजट या फिर फोरकास्ट फॉर द करेंट पीरियड और फोर्थ है सिग्निफिकेंट चेंजेस उसमें जो किए होंगे वो कंसिडर फॉर एग्जाम्पल वेन एंड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट द मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल इज डिटर्माइंड फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी बेस्ड ऑनसेंटेज ऑफ प्रोफिट

नॉर्मल प्रॉफिट जो रहता है कंसिडरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो देखेंगे और नेसेसरी अगर चेंजेस करने हैं तो वो करेंगे और उसके बेसिस पर हम बेंचमार्क डिसाइड करेंगे राइट right? क्योंकि वो मटेरियलिटी जो डिसाइड की जाएगी वो ज्यादा रिलेवेंट होगी कोरोना या फिर ऐसे कोई भी अनयूजल या एबनॉर्मल सिचुएशन है उस ईयर में ऐसा कर सकते हैं राइट right? ये भी आपको ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ट उसमें कितने परसेंटेज अप्लाई करने है वो प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर है दर इज रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज एंड द चूजन बेंच मार्क सच देट अटेज अप्लाइड टू प्रोफिट बिफोर टेक्स फ्रॉम कंटिन्यूंगशन To ज हम प्रॉफिट पर अप्लाई करेंगे अगर हम रेवेन्यू में वन परसेंटेज अप्लाई करें तो प्रॉफिट में पांच परसेंटेज होगा राइट तो प्रॉफिट में ज्यादा होगा रेवेन्यू पे कम होगा राइट कंसिडर फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूंग्रोप्रिएट फॉर प्रॉफिट ओरियंटेड एंटिटी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेल्थ ऑडिटर में कंसिड वन परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसिस टू बी अप्रोप्रिएट फॉर ए नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी मतलब की रेवेन्यू में अगर हमें कंसिडर करना है तो शायदेंटेज करेंगे बट प्रोफिट बिफोर टैक्स में फाइव परसेंटेज क्योंकि प्रॉफिट की अमाउंट रेवेन्यू से कम होती है तो उसमें परसेंटेज ज्यादा अप्लाई किया जाएगा हायर और लोअर परसेंटेजेस है अगर कोई केसारियो बेस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं मटीरियलिटी लेवल और लेवल फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्कलोजर हम जो ओवरऑल मटेरियलिटी डिसाइड कर रहे हैं वो देखा हमने अगर हमें कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस या फिर डिस्क्लोजर के लिए करना है तो वो किस बेसिस पर हम करेंगे क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे कि जो हमें लीड करेंगे कि हमें पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस या डिस्कलोजर के लिए अलग मटीरियलिटी डिसाइड करनी चाहिए फैक्टर्स दैट मे इंडिकेट द एक्सिस्टेंस ऑफ वन और मोर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज और डिस्कलोजर फॉर विच मिस स्टेटमेंट ऑफ उंट एन मटीरिया फॉर दशियल स्टेटमेंट एजल रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इंफ्ल इकोनॉमिक डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड दल मटीरियलिटी है राइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर उससे हम लोअर लेवल पर लेसर मटिर डिस स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द मेजरमेंट और डिस्कलोजर ऑफ सर्टिन आइटम्स लाइक इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन एंड ऑफ मैनेजमेंट एंड चार्ज विद गवर्नेंस अगर कोई लो रेगुलेशन है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उस हिसाब से कुछ ट्रांजेक्शन कुछ अकाउंट मटेरियलिटी लेवल है वो कम हो सकता है जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यू को जो रेमुनरेशन दिया जाता है वो द की disclosures इन द रिलेशन टू द इंडस्ट्री इन which द entity operates फॉर example रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक या क्लाइंट स्पेसिफिक कुछ कुछ एरियाज है कुछ डिस्कलोजर जरूरी है तो उसे मटेरियल माना जाएगा जैसे कि आर एंड डी कॉस्ट है इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी क्योंकि वो बहुत ज्यादा होगा राइट तो उसे मटेरियल माना जाएगा उसमें मटेरियलिटी लेवल है वो अलग रखना जरूरी होगा एंड वेदर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस दैट इज सेपरेटली बिजनेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक इन केस ऑफ अ न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस जो स्पेसिफिकली अलग से डिस्क्लोज किया जाता है राइट right? तो उसमें भी शायद मटेरियलिटी लेवल है वो अलग रख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर न्यूली एक्वाड बिजनेस है तो वहां पर भी मटेरियलिटी लेवल अलग हो सकता है

रिविजन इन मटेरियालिटी लेवल्स इज द ऑडिट प्रोग्रेस हम मटेरियलिटी सबसे पहले तो ऑडिट प्लानिंग के टाइम पर डिसाइड करेंगे पर जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस होगा मटीरियलिटी लेवल चेंज हो सकता है Materiality for the financial statement as a whole and, if applicable, the materiality level or levels for a particular class of transaction, account balance, or disclosures may need to be revised as a result of change in circumstances that occurred during the audit. For example, a decision to dispose of a major part of the entity's business, new information or a change in the auditor's understanding of the entity and its operations as a result of performing further audit.

If during the audit it appears as a as though actual financial results are likely to be substantially different from the anticipated period and

if the auditor concludes that a lower materiality for the financial statement as a whole and if applicable materiality level or levels for particular classes of transactions account balances or disclosures that the initi that, then that initially determined is appropriate the auditor shall determine whether it is necessary to revise performance materiality and whether the nature timing and extent of the further audit procedure remain appropriate agar materiality decide ki thi, lower level per materiality हम अगर डिसाइड कर रहे हैं मतलब कि स्ट्रिक्टन हो रहे हैं पहले दस लाख डिसाइड किया था अब लग रहा है कि नौ, नौ, लाख से वो भी हमारे लिए हो हो जाएगा तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी चेंज जाएगी और तो और शायद हमारी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने पहले कुछ सोचा था अब कुछ हो रहा है मतलब कि ज्यादा रिस्क लग रहा है तो हम लोअर लेवल पर भी मटेरियलिटी लेकर आ सकते हैं तो हमें शायद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी चेंज करना होगा राइट यहां से आपको कुछ एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं राइट डॉक्यूमेंटिंग द मटीरियालिटी मटीरियालिटी को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन सेल इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट एंड फैक्टर्स कंसिडर्ड इन दियर डिटर्मिनेशन

the concept of materiality is applied by the auditor both in planning and performing the audit and in evaluating the effect of identified misstatements on the audit and of uncorrected misstatements if any on the financial statements and in forming opinion in the auditor's report. you already have in conducting an audit of financial statements the overall objectives of the auditor are to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from

And detection risk. ये दोनों ही पैराग्राफ ऑलरेडी हमने इन डिटेल समझे हुए तो ये आपको फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है आप ये कैंसिल कर सकते हैं टरियालिटी एंड ऑडिटर्स का कंसिडर्ड थ्रू आउट द ऑडिट इन पर्टिकुलर वेब मटीरियालिटी और ऑडिटर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए पूरे ही ऑडिट में स्पेसिफिकली कहां पर

करेंगे तो ये पूरा मटीरियालिटी के बारे में था एस थ्री ट्वेंटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग था ऑडिट होप आपको ये समझ में आ गया होगा राइट right? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट सजेशन और रिव्यूज एंड सब्सक्राइब द चैनल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कंट्रोल जो काफी इंपॉर्टेंट है राइट थैंक यू सो मच